नमस्कार, स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल केसीबी जेड क्लासेस में। मैं पवन चौधरी। जैसा कि हम रोजाना 20 क्वेश्चन आपके टॉपिक वाइज देकर के आते हैं, तो आज का जो टॉपिक है वो है ध्रुवणता या फजांस रूल के ऊपर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, नोट डाउन करते जाना। एक एक क्वेश्चन में बोलता जाता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन, BF3 तथा NF3 दोनों अणु सहसंयोजक हैं, परंतु BF3 अध्रुवीय है तथा NF3 ध्रुवीय है। इसका कारण है, ऑप्शन है असंयोजित अवस्था में बोरोन धातु है तथा नाइट्रोजन गैस है। बी ऑप्शन है, BF बंध में द्विध्रुव आवरण नहीं होता है जबकि NF बंध में द्विध्रुव आवरण होता है। सी ऑप्शन है, बोरोन का परमाणु आकार नाइट्रोजन से छोटा है। डी ऑप्शन है, BF3 समतल है जबकि NF3 पिरामिडीय है। दूसरा क्वेश्चन है, एक कैटायन का आवेश या आकार का अनुपात इसकी ध्रुवण शक्ति का निर्धारण करता है। निम्न में से कौन सा क्रम कैटायन प्रजातियों का बढ़ता क्रम प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है, Mg2+, Be2+, K+, Ca2+। बी ऑप्शन है, Be2+, Pb+, Ca2+, Mg2+। सी ऑप्शन है, Pb+, Ca2+, Mg2+, Be2+। और डी ऑप्शन है, Ca2+, Mg2+, Be2+, Pb+। तीसरा क्वेश्चन है, यदि इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा ए तथा बी दो परमाणुओं के मध्य बनाया गया बंध बीच में नहीं है तो बंध होगा? ऑप्शन है, एकल बंध, ध्रुवीय बंध, अध्रुवीय बंध और पाई बंध। चौथा क्वेश्चन है, ए परमाणु के दो इलेक्ट्रॉन व बी के दो इलेक्ट्रॉन क्रिया करके ए बी यौगिक बनाते हैं, यह उदाहरण है? ऑप्शन है, ध्रुवित सहसंयोजक बंध का, अध्रुवित सहसंयोजक बंध का, ध्रुवित बंध का, उप सहसंयोजक बंध या डेटिव बंध का। तो फिर पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से अणु में सहसंयोजक बंध सर्वाधिक ध्रुवीय होता है? ऑप्शन है, HI, HBr, HCl, H2। छठवा क्वेश्चन है, Cl3, Br3 तथा NH3 अणुओं में अतलीय ज्यामिति वाला अणु है? ऑप्शन है, Cl3, NH3, Br3, नन ऑफ दीज। सातवां क्वेश्चन है, निम्न में से किसका गलनांक उच्चतम होता है? ऑप्शन है, क्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मीटा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। आठवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ध्रुवीय अणु है? ऑप्शन है, CCl4, CO2, CH2, Cl2 और डी ऑप्शन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। नवा क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी ध्रुवीय क्षमता अधिक है? ऑप्शन है, Mg2+, Al3+, Na+, Ca2+। दसवां क्वेश्चन है, अधिकतम सहसंयोजी गुण किस यौगिक में है? ऑप्शन है, NaI, NgI2, AlCl3, AlI3। ग्यारहवां क्वेश्चन है, हैलाइड आयनों की ध्रुवणता का बढ़ता हुआ क्रम है? ऑप्शन है, F- I- Br- Cl- Cl- Br- I- F-. सी ऑप्शन, I- Br- Cl- F- और डी ऑप्शन, F- Cl- Br- I-। फिर बारहवां क्वेश्चन है, फजान नियम के अनुसार सहसंयोजी बंध बनने के लिए सही परिस्थितियां हैं? ऑप्शन है, बड़ा धनायन, छोटा ऋणायन, बड़ा धनायन, बड़ा ऋणायन, छोटा धनायन, बड़ा ऋणायन, छोटा धनायन, छोटा ऋणायन। तेरहवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ध्रुवीय यौगिक है? ऑप्शन है, HF, HCl, HNO3, H2SO4। चौदहवां क्वेश्चन है, निम्न में से किसका द्विध्रुव आवरण शून्य है? ऑप्शन है, Cl, PCl3, SiF4, CsCl3। पंद्रहवां क्वेश्चन है, निम्न में से किसका द्विध्रुव आवरण सबसे कम है? ऑप्शन है, PH3, CsCl3, NH3, BF3। सोलहवां क्वेश्चन है, तत्वों की पहचान करने में पाउली का ऋण विद्युतीय मान उपयोगी है? ऑप्शन है,
अणुओं में बंधों की ध्रुवता, विद्युत रासायनिक श्रेणी में तत्वों की स्थिति, उपसह संयोजन संख्या, विभिन्न अणुओं के द्विध्रुव आघूर्ण। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा सह संयोजन बंध सबसे अधिक ध्रुवीय होगा? ऑप्शन है एफ एफ, ओ एफ, एन एफ, सी एफ। 18वां क्वेश्चन, दिए गए यौगिकों में से अध्रुवीय अणु की पहचान करो। ऑप्शन है H2, HCl, HF, HBr और डी में ओनली HBr। 19वां है, निम्न में से कौन अध्रुवीय है? ऑप्शन है PCl3, NH3, SF6, IF5। 20वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है? ऑप्शन है NH3, BF3, SO2, H2O। तो आज के ये 20 क्वेश्चन हमारे फजान्स रूल से रिलेटेड थे। सारे आप आंसर कमेंट बॉक्स में दें और टेस्ट को जारी रखें। रेगुलर टेस्ट सीरीज आपके सामने है। धन्यवाद।